हेलो व्यूअर्स, इस क्लास में हम कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने माउस इवेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो ये हैं कीबोर्ड इवेंट्स, इनमें सिर्फ तीन कीबोर्ड इवेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट पे ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस और लास्ट पे ऑन की अप। आप माउस इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं तो जो देखें जैसे ऑन माउस मूव या माउस आउट, सेम वही चीज़ यहीं पर भी है। की डाउन मतलब जब हम की प्रेस कर रहे होंगे, जैसे कि हमने माउस डाउन में किया था, और ऑन की प्रेस जैसा कि अब हमको एक की प्रेस करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पे ऑन क्लिक यूज़ करते थे माउस में, की अप जब हम किसी की को रिलीज़ करेंगे। तो इस क्लास में हम सिर्फ इन तीन को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं एडिटर ओपन करता हूँ अपना, और ये हमारी फाइल है माउस इवेंट्स की। मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत हुई तो मैं ये उसको दे सकूँ। मैं एक न्यू फाइल बना के मैं उसी फोल्डर में सेव करता हूँ जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। मैं इसका नेम रखता हूँ कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स, इवेंट्स डॉट एच टी एम एल के नेम से, और एच टी एम एल फाइव की मैं एच टी एम एल फाइव की एक फाइल क्रिएट करता हूँ इमिट के हेल्प से। इमिट क्या है इसका ट्यूटोरियल आप देख लें, ये मैंने बना के अपलोड कर दिया है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ, इवेंट्स का नेम ही दे देता हूँ सिंपली इवेंट्स। और अब मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और इसका नेम मैं हमेशा की तरह ए बी सी रही रखता हूँ। और इसके अंदर मैं इस कौन सा मेथड ले लें हम आउटपुट के लिए, मैं वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली सॉरी एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैं सी डी ई रख लूँगा। उसके बाद अब डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कीबोर्ड कीबोर्ड इवेंट इवेंट हैज बीन अकर्ड। ये तो मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं करता हूँ इनपुट टाइप, मैं ले लेता हूँ इनपुट, मैं लेता हूँ ये कितने थ्री, मेरे पास थ्री है ना, तो मैं थ्री ही लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसी तरह मैं इनको यहीं पे ही क्लोज कर लेता हूँ, तीनों को मैं यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑन की प्रेस। की प्रेस जब हो तो क्या हो, मेरा फंक्शन रन हो, एग्जीक्यूट हो ए बी सी। इसी तरह ऑन की डाउन, और यहाँ पे भी वही सेम मेरा फंक्शन ही रन हो। इसी तरह अब मेरा एक रह गया ऑन की अप, इसमें भी वही मेरा फंक्शन ही रन हो। तो अब यहाँ तक तो कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने वहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी लिया है, तो उसके लिए मैंने इनर एचटीएमएल यूज़ किया है। वो कहाँ पे जा रही है, सी डी ई एक मैंने आईडी बनाई है ताकि जो मेरी आउटपुट है वहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए मैं एक पी टैग लेके उसकी आईडी रख लेता हूँ सी डी ई, और ये भी मेरा कम्प्लीट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ओपन अपने ब्राउज़र में, देखते हैं तो वहाँ पर क्या रिज़ल्ट शो होता है। ये देखें, मैं इनको न्यू लाइन में कर रहा हूँ, असल में ये ना फिर इकट्ठे ही शो होंगे। चलो मैं ये क्या, तो इसके बाद मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें ये मेरे अलग-अलग शो हो रहे हैं। अब ये मेरे तीन टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं माउस में
क्योंकि माउस का इवेंट मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए इस पर कुछ भी नहीं शो होना। तो अगर ये मेरा फर्स्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने गलत किया है इनको लेके, क्योंकि मैं एक और काम करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ प्लेस होल्डर, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्लेस होल्डर में ये जो फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ शायद की प्रेस, और इस पे मैं ले रहा हूँ प्लेस होल्डर में ये होगा हमारा की डाउन है, ये की डाउन, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में होगा मेरा की अप। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं आपको इनकी फंक्शन दिखाता हूँ। जो मेरा फर्स्ट है की प्रेस, इससे क्या होगा, जो ही मैं की को प्रेस करता हूँ मेरे नीचे फंक्शन रन हो जाएगा। ये देखिए, मैंने की को प्रेस किया तो मेरे यहाँ पे नीचे फंक्शन रन हो गया है। तो इसी तरह मैं एक और काम करता हूँ, इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल जैसा कि मैंने लास्ट पे भी किया था, ताकि मैं वाजे तौर पे वहाँ पे नज़र आए। पी टैग, इसके अंदर मैं सिंपली सिर्फ कलर लेता हूँ और कलर रख लेता हूँ रेड, और फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ इसका 25 पिक्सल। ये देखिए, अब मैं आपको इनकी फंक्शन बताता हूँ। की प्रेस में क्या होगा कि जब मैं कोई भी की प्रेस करूँगा, मेरा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा या इवेंट अकर हो जाएगा, ये देखें। और अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर की डाउन का मतलब ये, मैं जो ही कोई की प्रेस करूँगा, आप कोई मर्जी की प्रेस कर लें कीबोर्ड से, मैं कोई भी की जब प्रेस करूँगा तो ये फ़ौरन उसी वक्त ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा फंक्शन। चाहे मैं की को प्रेस करके ही रखूँ तो फिर भी, अगर मैं की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको प्रेस ही रहने दूँगा, अभी मैं इसको रिलीज़ नहीं करूँगा। ये देखें, मैंने इसको प्रेस ही किया हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है, वो फंक्शन मेरा जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसको मैं रिलोड करता हूँ। अब जो मैं आता हूँ कि आपकी ऐप में क्या होगा, जब तक मैं की को रिलीज़ नहीं करूँगा उस वक्त तक मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं की को मैं प्रेस करता हूँ, ये देखें मैंने इसको प्रेस कर लिया और मैंने छोड़ा नहीं, ये देखें। तो जो ही मैं इसको अब रिलीज़ करता हूँ तो मेरा फंक्शन, ये देखें मेरा फंक्शन वहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये हैं हमारे जो कुछ कीबोर्ड्स के इवेंट। तो इन कीबोर्ड्स के जो इवेंट्स हैं वो ओनली 3 हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस भी करके दिखा दी। ये भी यूज़ होते हैं जब हम ख़ास तौर पे फॉर्म वैलिडेशन में यूज़ होते हैं, कि जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे इनका हम यूज़ करते होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हम क्लिपबोर्ड इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं।